हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बांस फार्मिंग में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमें अपनी गेहूं की फसल में ऐसे क्या कार्य करने चाहिए जिससे कि हमारी गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा टिलिंग यानी कल्लों का विकास हो, जो कि हमारी गेहूं की फसल में अच्छी पैदावार दे सके। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा क्या क्या कार्य करने हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे किसान भाई सभी प्रकार के खादों का इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन उनको फिर भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो हम ऐसा क्या कार्य करें जिससे कि हमारी फसल में अच्छे रिजल्ट मिलें और हमारी गेहूं की फसल का यानी गेहूं की फसल के कल्लों का विकास हो। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। अगर आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी, अन्यथा आप आधी अधूरी जानकारी लेकर क्या करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 25 से 30 दिन की अवस्था में जब हमारी फसल को पहली सिंचाई यानी पहला पानी हम दे देते हैं, तो उसके बाद हमारी फसल में अनेक प्रकार की घासें यानी वीड्स उगाते हैं जिससे कि हमारी फसल का विकास होना उस तरीके से होना विकास असंभव हो जाता है जिस तरीके से होना चाहिए, जो कि हमारी फसल के साथ कंपटीशन करते हैं। आपकी फसल में यह स्पेस घेरते हैं और आपके पौधों को जो हम यूरिया या खाद देते हैं वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है, उसमें भी ये बंटवारा कर लेते हैं। तो हमारे किसान भाई इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि हमें वीड का कंट्रोल भी करना होता है। तो मैं आपको बताता हूँ वीड कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छी दवाएँ कौन कौन सी आती हैं। तो दोस्तों, अगर आपके फसल में चौड़ी पत्ती वाले यानी बथुआ मोथा या ऐसी प्रकार की घासें हैं तो आप एक ही दवाई लगा सकते हैं। यदि आपके खेत में कई प्रकार की घासें हैं जैसे कि गुल्ली डंडा बथुआ आदि इस प्रकार की घासें हैं तो आप इसमें एक अलग दवाई आती है, उस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जितने भी हमारी गेहूं की फसल में खरपतवार उग कर आते हैं जो कि चौड़ी पत्ती के होते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए यानी उनको नष्ट करने के लिए हमें एक दवाई का इस्तेमाल करना है जो कि मकैटो इफ़्को कंपनी की आती है। मकैटो नाम से आपको उसका इस्तेमाल करना है जो कि एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो कि आपकी फसल को बिना नुकसान पहुंचाए आपकी फसल में सभी प्रकार के यानी सभी चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नष्ट कर देगी और आपकी फसल में जितने भी खरपतवार होंगे उनको मार देगी। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ अगर आपकी फसल में सब यानी हर प्रकार के खरपतवार या चौड़ी पत्ती या बारीक पत्ती के खरपतवार हैं तो आपको टाटा कंपनी की फतेह नाम से दवाई आती है, आपको उसका स्प्रे कर देना है जिससे कि आपकी फसल में सभी प्रकार के खरपतवार नष्ट हो जाएंगे और आपकी फसल पे भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, आप अपने हिसाब से कोई भी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपकी फसल में आधा काम हो जाएगा और आपकी फसल में कल्लों की मात्रा भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपका यह काम करने के बावजूद भी आपके फसल में टिलिंग नहीं हो रही है तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या डालना है जिससे कि आपके पौधों की टिलिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो और आपकी पैदावार बढ़िया निकले। तो दोस्तों, बने रहिए आगे। तो दोस्तों, हमारी फसल में दूसरा कार्य जब करना है, जबकि हमारी फसल में दूसरा पानी हम देते हैं तो उस टाइम पे हमें एक एकड़ में एक बैग यूरिया और उसके साथ माइकोराइजा कोई भी अच्छी कंपनी का वो ले लेना है जो कि हमारी फसल में बहुत अच्छा कार्य करता है, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि हम जब हम अपनी फसल में इसको डालते हैं तो यह हमारी फसल में ज़मीन के अंदर जाकर पौधों के जित बची हुई खाद होती है उसे पौधों को देने का काम करता है और जड़ों का विकास करता है जो कि हमारे पौधे अच्छी तरीके से गहराई में जाकर न्यूट्रिएंट ग्रहण करते हैं जिससे कि हमारे पौधों का विकास होता है और कल्लों का विकास होता है जिससे कि हमारी फसल में भरपूर कल्ले आते हैं और हमारी पैदावार दुगनी हो जाती है। तो दोस्तों, हमें माइकोराइजा लेना है, कई कंपनी का आता है लेकिन हमें बेस्ट कंपनी का लेना है जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो माइकोराइजा आता है वो देहात कंपनी का स्टार्टर के नाम से आता है जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, जो कि मेरा आजमाया हुआ प्रोडक्ट है और अगर आप इसको इस्तेमाल में लाएंगे
तो 100% आपको फ़ायदा मिलेगा, और अगर आप इसको इस्तेमाल में लाएंगे तो आपकी फसल में बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। तो दोस्तों, 1 एकड़ में हमें 4 किलो स्टार्टर यानी माइकोराइजा लेना है और 1 बैग यूरिया, दोनों को मिलाकर हमारी फसल में इसका छिड़काव यानी बखेर देना है। उसके बाद या दोस्तों, आप इसमें अपनी फसल में पानी या सिंचाई कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको देहात का नहीं मिल पाता है तो आप टाटा कंपनी का यानी टाटा रैलीज का रैली गोल्ड के नाम से माइकोराइज आता है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसके भी परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? अगर आप इस जानकारी को अपने यूज़ में लाएंगे तो 100% आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपकी फसल में बहुत अच्छे कल्ले निकल कर आएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जो कि आपको ऐसी जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी फसल अच्छी रहे। नमस्कार दोस्तों।